सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 में जितने भी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आए थे उन सभी को देखने वाले हैं। और ये वीडियो अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स और अपकमिंग दूसरे एग्जाम्स, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट पर एक सम है वो 5900 बन जाता है 6 साल में और 79000 बन जाता है 10 साल में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सम है ये 59200 से कितना बन गया 72000। अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ तो ये देखिए 60000 में 800 कम है और ये 60000 से 1200 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 12800। इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये चीज़ है क्या, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल के ऊपर ही केवल इंटरेस्ट लग रहा था, तो ये जो भी चीज़ आई है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। कितने साल का, देखिए ये 6 ईयर्स के लिए था, ये 10 ईयर्स के लिए था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का था, 4 साल का। मतलब कि दिस इज एसआई ऑफ 4 ईयर्स। और यही मैं बात करूं एक साल के एसआई की, अगर बात करने की कोशिश करूं तो 4 साल के लिए अगर 12800 है तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा, 1 ईयर का एसआई रहेगा 3200 रुपीज। 1 साल का एसआई कितना रहा होगा, 3200 रुपीज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि देखिए 6 साल बाद पैसा कितना था, 6 साल बाद पैसा कितना हो गया था 59200, और इनिशियली कुछ प्रिंसिपल रहा होगा और वो 6 साल में इतना बन गया। तो इस चीज, ये जो चीज है ना बेसिकली वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट और बराबर ये कितना है 59200। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर 6 साल का साधारण ब्याज जुड़ा था तभी तो हमारे पास 59200 आया था। तो देखिए 6SI की वैल्यू कितनी होगी, इसका 6 गुना, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 59200 माइनस 3200 का 6 टाइम्स, और 3200 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 19200। तो पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 59200 माइनस 19200 और प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 40000। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू 40000 आ चुकी है और अब यहाँ पे हमें निकालनी है रेट। देखिए प्रिंसिपल अगर 40000 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3200, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट कितनी होगी, 3200 डिवाइडेड बाय 40000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगी 8%। मतलब जो करंट रेट है अभी वो कितनी है 8%। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर रेट 2% से और बढ़ जाए, अगर रेट 2% से और बढ़ जाए, मतलब अगर अभी रेट 8% है तो अब रेट कितनी हो जाए, अब रेट हो जाए 10%, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि रेट को 2% से बढ़ा दीजिए। अब जो न्यू रेट है वो हमारी 2% है। ठीक है, और अब बोला जा रहा है कि 7600 अपने आप का डबल कितने टाइम में हो जाएगा। देखिए अभी रेट कितनी है 10%, इसका मतलब यह है कि पैसा हर साल 10% बढ़ता जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट में तो केवल प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। तो पहले साल 10% बढ़ेगा, अगले साल वो 20% बन जाएगा, अगले साल वो 30% बन जाएगा, अगले साल 40% बन जाएगा, अगले साल 50% बन जाएगा। तो हर साल अगर 10% से वो पैसा बढ़ रहा है तो उसको 10 साल लगेंगे अपने प्रिंसिपल के बराबर होने में, और जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तभी तो पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। तो यहां पे मैं बोला जा रहा है जो हमारा साधारण ब्याज है वो हमारे प्रिंसिपल का 1/8 है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा प्रिंसिपल अगर 8x है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा x, भाई 1/8 बनाना है ना हमें इसे, आठवां हिस्सा। आप उसे x और उसे 1/8x भी ले सकते थे, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसे 8x एंड x ले लिया। अब हमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज को अगर मैं रेट को
टू टी मान लूं तो मेरी जो टाइम है वो कितना होगा टी, क्योंकि बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, रेट के आधे हैं, तो मैंने रेट को अगर टू टी मान लिया तो इसको मैं टी मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं अपनी इक्वेशन बना लेता हूं। तो हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह एक्स रख देता हूं, प्रिंसिपल की जगह 8x रख देता हूं, यहां पे मैं रेट की जगह 2t रख देता हूं और टाइम की जगह t रख देता हूं और 100 की जगह 100 रख देता हूं। ठीक है, तो अब मैं कैंसिल करना शुरू करता हूं, तो इस x से ये x कटेगा। ठीक है, इस 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स और ये जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 25/4। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4। अब मैं दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेता हूं तो इसका जब मैं अंडर रूट लूंगा और इसका भी जब मैं अंडर रूट लूंगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 और ये कितना होता है, 2.5। तो टी की वैल्यू कितनी है, 2.5। मतलब मेरा टाइम कितने साल का है, मेरा टाइम है 2.5 साल का और जो मेरी रेट है वो कितनी है, 5% है, क्योंकि रेट जो है वो टाइम का डबल है, न्यूमेरिकली 5% है। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 15,000 के ऊपर कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। देखिए टाइम कितना है हमारे पास, 8 ईयर्स, रेट हमारी कितनी है, 5%, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, 15,000। तो एक चीज जो 5% हर साल से बढ़ रही है वो 8 साल में कितना बढ़ जाएगी भाई, 40% बढ़ जाएगी, पहले साल 5, अगले साल 5, अगले साल 5, ऐसे वो 8 साल में अपने आप का 40% बढ़ जाएगी। मतलब जो भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का कितना होगा, 40% होगा, प्रिंसिपल का 40% होगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, रेट हमारे पास है और 100 हमारे पास है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं हम। बाकी आप देख सकते हैं कि एक साल की रेट अगर 5% है तो 8 साल में कितनी हो जाएगी, 40%। तो प्रिंसिपल 40% दे देगा सिंपल इंटरेस्ट जितना, तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1500, तो 40% कितना हो जाएगा, 6,000। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम के पूछे गए हैं, प्री के, जो कि जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, एसएससी सीपीओ के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में लिखा है कि एक सर्टेन सम है जो सिंपल इंटरेस्ट पे बन जाता है 4900 तीन साल में, 4900 बन गया तीन साल में और 5600 बन गया पाँच साल में। ठीक बात है, और बोला जा रहा है कि अगर रेट 2% होती तो बताइए वो पैसा अपने आपका डबल कितने समय में होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन है, तो 4900 हो रहा है वो तीन साल में और 5900 हो रहा है वो पाँच साल में। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ब्याज कितना हो रहा है, यहाँ देखिए ये 50,000 से कितना कम है, 400, ये 50,000 से कितना ज़्यादा है, 6,000। तो 2 साल का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और इन दोनों के बीच जो पैसे का डिफरेंस है वो कितना है, 6,400 रुपये। मतलब कि 2 साल के अंदर 6,400 का क्या जनरेट हुआ, ब्याज जनरेट हुआ। तो एक साल, 2 साल के अंदर अगर 6,400 है तो एक साल के अंदर कितना ब्याज हुआ होगा, 3,200 रुपये। मतलब दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो चलिए देखिए, हमें बोला जा रहा है कि 4900 हो गया वो 3 साल के बाद। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और 3 साल बाद ये क्या हो गया, 4900 हो गया। मतलब कि मैं अगर प्रिंसिपल के अंदर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करूं तब जाकर वो अमाउंट बनेगा और वो कितना है, 4900, और ये आगे जाके कितना बन गया, 5600, मतलब 56,000 बन गया 5 साल में। मतलब प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ू तो मैं यहां पर पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल के अंदर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देता हूं और ये कितना हो जाता है, 4900। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3200, तो प्रिंसिपल यहां पे है और 3200 का 3 गुना कितना होता है, 9600। भाई 3 गुना है ना एसआई का, तो मैंने एसआई, एक बार का एसआई कितना है, ये 1 ईयर का एसआई है 3200 रुपए। तो 4900 हो गया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 रुपए।
तो मेरे पास आ गया प्रिंसिपल और मेरे पास एक साल का साधारण ब्याज कितना है, 3200 रुपये। अभी अभी हमने ये निकाला ही था, वैसे भी 3200 रुपये का ब्याज कितना होता है, 40,000 पे 8% का होता है। अगर मुझे रेट परसेंटेज निकालनी है तो मैं बोलूँगा कि 3200 बटे 40,000 गुणा 100, तो ये कितना होता है, 8%। मतलब दिस इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वहीं अगर मैं बात करूं, एग्जामिनर ने बोला है कि रेट प्रतिशत को 2% से बढ़ा दो। अगर अभी 8% है तो 2% बढ़ाने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और 10% अगर कोई भी राशि हो चुकी है, कोई भी रेट हो चुकी है, तो न्यू रेट कितनी हो जाएगी, +2 कर दूंगा तो 10% हो जाएगी। तो अगर रेट 10% है तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, पैसा डबल होने में कितना समय लेगा, 10 साल लेगा। क्योंकि अगर साधारण ब्याज की दर 10% है सिंपल इंटरेस्ट की रेट, तो वो 10% बढ़ेगा, फिर अगले साल 10% बढ़ेगा, फिर अगले साल 10% बढ़ेगा, 10%, 20%, 30%, ऐसा होते 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 उससे 10 साल लगेंगे अपने आप को डबल कर देने में। और कभी भी किसी पैसा डबल होने का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट वैल्यू सेम हो गई है, तो वो दोनों ऐड हुए हैं तो वो अपने आप का डबल हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 times द नंबर ऑफ ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 2%, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 ऑन 3 years। देखिए, किसी भी चीज का सिंपल इंटरेस्ट उस सम का 1/4 है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा प्रिंसिपल अगर 4x है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, x। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था आज ही। जो इंटरेस्ट रेट परसेंटेज है वो 4 गुना है नंबर ऑफ ईयर्स की। मैं मान लेता हूं कि मेरा टाइम अगर t है तो मेरी रेट कितनी होगी, 4t, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि जो रेट है वो 4 गुना है नंबर ऑफ टाइम की, मतलब न्यूमेरिकली 4 गुना है। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 times द रेट। ठीक है, तो ये भी बात हमें बोल दी गई है। अब हमें यहां से निकाल लेना है सिंपल इंटरेस्ट और इसके बीच में रिलेशन। तो हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, x। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, x। p की वैल्यू कितनी है, 4x। r की वैल्यू कितनी है, 4t। और इसकी वैल्यू कितनी है, t, टाइम की, डिवाइडेड बाई 100। तो आप देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 बार, तो टी स्क्वायर की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी, 25/4, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। पहले भी टी की वैल्यू 2.5 आई थी हमारी। ठीक है, तो यहां पे टी की वैल्यू आ गई 2.5 साल और रेट कितनी हो गई, 10%। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रेट को बढ़ा दी जाए 2% से। अगर अभी रेट है 10% और रेट को 2% से बढ़ा दिया जाए, यहां पे क्या लिखा जा रहा है कि रेट बढ़ा दी जाए 2% से, तो न्यू रेट कितनी हो जाएगी, 12%। और अब हमें बोला जा रहा है कि ₹5,000 पर 3 साल के लिए ब्याज कितना होगा। तो देखिए, न्यू रेट कितनी, मैं यहां लिख देता हूं, न्यू रेट कितनी है हमारी, भाई पहले अगर 10% थी तो अब 2% हमने बढ़ा दी तो न्यू रेट तो 12% हो गई। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल है ₹5,000 और हमारे पास टाइम कितना है, 3 साल। ठीक है, तो देखिए 12% से 3 साल के लिए कोई चीज बढ़ रही है तो पहले साल में 12 बढ़ेगी, अगले साल में 12 बढ़ेगी और अगले साल में वापस 12 बढ़ेगी। मतलब टोटल जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 36% मिलने वाला है प्रिंसिपल का, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, ₹5,000, और इसका हमें कितना निकालना है, 36%। तो देखिए 36% हमें निकालना है 5,000 का, तो वो कितना होगा, ₹1,800 होगा। क्योंकि 10,000 का 36% कितना होता है, 3600, तो 5,000 क्योंकि उसका आधा है तो उसका 36% भी 3600 का आधा होगा, जो कि कितना होता है, ₹1,800। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ पाए होंगे बड़े अच्छे से। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला जा रहा है कि 7,200 रुपए को दिया गया सिंपल इंटरेस्ट में दो पार्ट्स में। पहला वाला पार्ट था 8% प्रति एनम, दो साल के लिए दिया गया था, और दूसरा वाला पार्ट था 10% पर एनम, और जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ दो साल बाद वो कितना हुआ, 3,008। अगर दो साल के अंदर 3,008 का ब्याज रिसीव हुआ, इसका मतलब एक साल में कितना हुआ, 1,504 रुपए का ब्याज रिसीव हुआ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पहला वाला पार्ट था वो 8% पे था, तो मैं मान लेता हूँ जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसकी वैल्यू x थी, और जो सेकंड वाला पार्ट था उसकी वैल्यू कितनी थी, 17200 माइनस x रुपीस। ठीक है, तो ये दो पार्ट थे, तो पहले वाले पार्ट पर ब्याज लगा 8% का, तो ये हो गया एक्स इंटू 8 × 1/100, PRT/100 लगाया मैंने, और फिर दूसरा वाला जो पार्ट था उसके ऊपर 10% का लगा, तो 17200 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10/1 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसकी जो वैल्यू आ रही है एक साल के लिए वो कितनी आ रही है, 1504 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले वाले पार्ट को एक्स माना, तो पहले वाले पार्ट पर कितना ब्याज हो गया, इतना। दूसरे वाले पार्ट को 17200 माना, तो दूसरे वाले पार्ट पर कितना ब्याज हो गया, इतना। तो मैं काम करता हूँ 100 को भेज देता हूँ उस साइड, 100 को मैं उस तरफ भेज दूंगा, तो इधर कितना बचेगा, 8x, इधर कितना बचेगा, 17200, और एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार और 0, और ये x भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10x, और ये 00 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 150400। तो देखिए अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो इधर कितना बचेगा, -2x, तो इस साइड बचेगा -2x, और ये जो चीज है ये इधर ही रहेगी, और ये वाली चीज उठ के उधर चली जाएगी, तो ये इधर क्या बच जाएगा, 150400 -172000। तो देखिए ये है 1.5 लाख और ये है 1,72,000, मतलब ये 1.5 लाख और 1,72,000, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 22,000 का, लेकिन ये 400 ज्यादा है तो डिफरेंस कितना, 21,600 का। तो यहाँ पे -2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -21,600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,800। मतलब x की जो वैल्यू है वो 10,800 है। क्वेश्चन में पूछा गया है 8% प्रति एनम पर जो पैसा दिया है वो हमने क्या माना था, x माना था पहला पार्ट, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10,800। तो मेरा आंसर कितना होगा, 10,800। अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि 10% वाले को का कितना हिस्सा है, तो हम 17200 में से 10800 को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनिल ने क्या किया है, 5,000 रुपये को लेंट किया है 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, इस तरीके से कि 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, एंड 10% फॉर बियॉन्ड 4 ईयर्स। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, और हमें यहां बोला जा रहा है कि इसको 10 साल के लिए ब्याज पर चढ़ाया गया। तो शुरू के जो 2 साल थे ना उस पर उसकी रेट कितनी थी, 6%। अगले जो 2 साल थे ना उस पर उसकी रेट कितनी थी, 8%, और टोटल ये 10 साल के लिए था, तो 4 साल के बाद वो 10% पे गया, मतलब जो बचे हुए 6 साल थे उस पर इसकी रेट कितनी रही थी, 10%, क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 10%। तो देखिए पहले 2 सालों से कितना हमें मिलेगा, 12% ऑफ प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट, अगले 2 सालों से कितना मिलेगा, 16% ऑफ सिंपल प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट, और ये वाला कितना मिलेगा, 60%, मतलब 60, 70, 80, तो ये कितना हो गया, 88% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 88% ऑफ प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, 88% ऑफ प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, समझ रहे। देखिए पहले 2 साल के लिए 6%, तो पहला 6% बढ़ा, फिर 6% बढ़ा, फिर अगले 2 साल के लिए 8% बढ़ा, अगले 2 साल के 8% बढ़ा, फिर बाद के जो 6 साल है सब में 10% बढ़ा, तो सबको मैंने ऐड कर लिया, मतलब जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना होने वाला है, 88%। तो मुझे निकालना है 5,000 का कितना, 88%, 10,000 का 88% होता है 8,800, तो 5,000 का 88% होगा उसका आधा, 4,400। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आदमी ने ए बोरोज़ अ सम ऑफ 90,000 फॉर 4 ईयर्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट,
ही लैंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 ईयर्स. देखिए सेम प्रिंसिपल को एक आदमी ने लिया है 4 साल के लिए 5% पे, 4 साल के लिए 5% पर, और उसी प्रिंसिपल को उसने किसी और को दे दिया, मैं कलर चेंज करके यहां लिखता हूं, उसी प्रिंसिपल को उसने किसी और को दे दिया 7% पर 4 साल के लिए, 4 ईयर्स. ठीक है, तो यहां पे मैं देखूं अगर, तो उस आदमी ने जिसने पैसा लिया है उससे सिंपल इंटरेस्ट कितना देना है, 20% ऑफ प्रिंसिपल, और जिस आदमी ने उसको पैसा दिया है उससे वो कितना लेगा, 28% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो होगा 28% ऑफ प्रिंसिपल के बराबर. मतलब जब उसको देना है वो देना है 20% ऑफ प्रिंसिपल, जो उसे लेना है वो उसे लेना है 28% ऑफ प्रिंसिपल, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो उसका फायदा हो गया. तो ये फायदा कितना हो गया, 8% ऑफ प्रिंसिपल. फायदा कितने का हो गया, 8% ऑफ प्रिंसिपल. तो हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना है, 90,000. 90,000 का 8% कितना होता है, 7,200 रुपए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7,200 रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. एक आदमी है, उसने कुछ सर्टेन सम डिपॉजिट करवाया है 10% पर एनम से कंपाउंडेड एनुअली, और 2 साल के बाद का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस और 4 साल के बाद का इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 5080. तो यहाँ पे 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5082 है. और रेट हमारे यहाँ पास कितनी है, 10%. देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट होती है तो 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का कितना होता है, 46.41% होता है. ये बात हमें याद रखनी चाहिए. आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी मेरे से तो बताया होगा आपको कि हम जब कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जब हम 10 को पढ़ रहे होते हैं तब हम 10 का याद रखते हैं कि 10 का पहले साल का 10% होता है, दूसरे साल का 21% होता है, 3 साल का 33.1% होता है और 4 साल का 46.41% होता है. ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पता है. तो यहाँ पे 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 21% होगा, क्योंकि रेट जो है वो कितनी है, 10% है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5082 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा. अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस 46.41 में से 21 अगर घटाओगे तो इधर कितना बचेगा, 52.41% ऑफ प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा 5082 के बराबर. तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो पी की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, देखिए जब डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, ये परसेंटेज रिमूव होगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, और आप अगर देखें तो ये इसका डबल है. तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000. पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सम ही पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th भी होता है यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे. क्वेश्चन नंबर 10th है, एक सम को इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए और वो हो गई 7800 हो गया और 11232 था वो 5 साल में हो गया. तो देखिए 2 साल के अंदर पैसा कहाँ से कहाँ हो गया, 7800 से 11232 हो गया. मतलब कि 3 साल के बाद पैसा इतना था तो तीसरे साल ये एज ए प्रिंसिपल बिहेव कर रहा था और 5वें साल ये एज ए अमाउंट बिहेव कर रहा था. तो आप जानते हैं कि अब आपको क्या निकालना है, रेट निकाल लिए हैं. तो रेट निकालने तो हम क्या करते हैं, रेशो मेथड यूज़ कर लेते हैं. रेशो मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं. तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक फॉर्म में लेके आते हैं, और क्योंकि इनके बीच में 2 साल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे. उससे क्या होगा, हमें जो रेशो मिलेगा उससे हमें क्या मिल जाएगी, ये यहाँ पे इसकी रेट मिल जाएगी. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कट कैंसिल करना शुरू करते हैं. देखिए 7800 किसकी टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है. 13 के टेबल में कितनी बार आता है, 6 बार आता है. मैं 13 से इसको कट करने की कोशिश करूं तो ये कितना हो जाएगा, इट्स अ 104, फिर हो जाएगा 83, तो फिर 6 78, फिर बचेगा 52, तो 4000, तो ये हो गया 600:864.
किससे कट रहा है उसको, जिसको मैं 100 पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरा स्क्वायर, क्योंकि अब मुझे ऐसे वैल्यू पे पहुंचना है जिसका स्क्वायर रूट मेरे को पता हो। तो 600 के बाद मुझे जो स्कोप नजर आ रहा है वो या तो 400 में नजर आ रहा है स्क्वायर रूट का, या 600 में नजर आ रहा है, सॉरी 100 में नजर आ रहा है। तो मैं इसको काटूं तो ये बन जाएगा 100, और ये कितना बन रहा है, 6 1 6 26 बचा, 4 24, फिर वापस 4 24। यस, देखिए आपको मैंने जब भी पढ़ाया होगा तभी मैंने यही बताया होगा कि आप किसी एक को पकड़ लीजिए जो आपको ज़्यादा आसान दिख रहा है और उसको ऐसे नंबर पे ले जाने की कोशिश कीजिए जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। जैसे कि मुझे 7800 पे 600 पहुंचा और 600 पे फिर 100 पहुंचा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे फिर किसी और चीज़ से काटने की कोशिश करनी पड़ती, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 11232 से किसी स्क्वायर रूट पे पहुंचना थोड़ा सा पेचीदा काम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का ले लेता हूँ स्क्वायर रूट। तो ये कितना होगा, 10:12, मतलब 10 की चीज़ कितनी हो रही है 12, और 10 की चीज़ 12 हो रही है, इसका मतलब ब्याज की दर कितनी है, 20% की ब्याज की दर है। ठीक है, 20% की ब्याज की दर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन है, और बोला जा रहा है कि जो पैसा बोरो किया गया वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया गया 980 रुपये की, और 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया। तो देखिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी, तो मैंने आपको बताया होगा कि अमाउंट बोरोड हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अमाउंट बोरोड हम यहाँ लिखते हैं, और यहां हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो परसेंटेज है वो 4% है, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, मतलब 25 रुपए पे 1 रुपए का हमने ब्याज दिया। तो अगर अमाउंट बोरो 25 रहा था तो इंस्टॉलमेंट हमें कितने की देनी पड़ेगी, 26 की। ये रेशियो जो था वो पहले साल के लिए था, और दूसरे साल के लिए जब हम ये बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 25 × 25, और यहाँ कर देते हैं 26 × 26, क्योंकि दूसरे साल में ये चीज़ों पे भी वापस ब्याज लगेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो देखिए, हमें बोला गया कि दोनों इंस्टॉलमेंट्स बराबर है, ये 26 है और ये 26 × 26 है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 26 से, और इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 26 से। तो अब जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो दोनों बराबर हो चुकी है। तो अब मेरे पास जो वैल्यू है ना, वो 26 × 26 की मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी, 980 रुपये, और ये 26 × 26 यूनिट की जो वैल्यू है वो भी मुझे कितनी दे रखी है, 980 रुपये, और इन दोनों का जो एडिशन है वो मेरा कितना है, अमाउंट बोरोड। और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना है, 25 कॉमन ले लूँ मैं दोनों से, तो 26 + 25 यहाँ बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 51, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो बेसिकली 26 × 26 की वैल्यू 980 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 980/26 × 26 कितना होता है, 676 होता है, ये होगी एक यूनिट की वैल्यू। और मुझे निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 25 × 51 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए हमें ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, जो मैंने पहले लिखी है ना, देखिए पिंक येलो और ग्रीन में, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये रेशियो है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग 26 × 26 यूनिट है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है, 980 रुपये। तो अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया ये कितना है, 26 × 26 तो खैर हमें पता है 676 है, लेकिन ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब मुझे ये सॉल्व करना है और अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है। तो देखिए, आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा, आप बाद में देख लीजिएगा पॉज करके इसे। चलिए, तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। आप देखिए क्वेश्चन तो, अब तो दिक्कत तो है, क्योंकि यहाँ पे तो काटना वाटना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, तो हम कुछ और देखते हैं कि हम इसको कैसे कुछ ईजिली सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, मैं इसे लिखता हूँ 980, इसे मैं लिखता हूँ 676, इसे मैं लिखता हूँ 100/4, मैंने 25 को क्या लिख लिया, 100/4, और ये मैंने लिख लिया 51, ठीक है। देखिए मैं 4 से इसे काटता हूँ, 4 से मैं इसे काटूंगा तो ये जाएगा, 2 बार बचेगा 18, 4 बार बचेगा 2, और फिर 0 आएगा तो बचेगा 5, मतलब 245 बार कट गया ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, 245 को कर देता हूँ 51 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 51 × 5 कितना होता है, 250, 255, तो 5 यहाँ पे आया और कैरी कितना गया, 25। 51 × 4 कितना होता है, 204, 204 और 25 उसमें ऐड किया तो कितना हो गया, 229, 9 यहाँ पे रखा, 22 वापस कैरी गया। 51 × 2 कितना होता है,
102 में मैंने क्या ऐड किया, 22, 102 में मैंने 22 ऐड किया तो कितना हो गया 124, तो ये हो गया 124 और फिर 200 और लगा दिए। अब मुझे डिवाइड किसको किससे करना है, 676 से, ठीक है, 676 से डिवाइड करना है। तो देखिए आप जानते हैं 676 इंटू 676 का आप डबल करोगे तो वो 1300 के ऊपर जाने वाला है। मतलब अगर मैं टेबल पढ़ना शुरू करूंगा, जैसे कि अगर मैं डिवीजन अगर मैं इसे बना देता हूं और मैं यहां पे 676 रखता हूं, तो मैं इसकी दो बार टेबल नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं एक ही बार टेबल पढ़ पाऊंगा। तो मुझे पहली बार टेबल पढ़ूंगा मतलब ये ऑप्शन तो मेरा कभी आंसर नहीं होगा। तो मैं पहली बार जब टेबल पढ़ूंगा तो यहां कितना आएगा, 676 आएगा, यहां आएगा 3 और 14 में से 7 गया आया 7 और 11 में से 6 गया आया 5, 573 बचा। फिर आगे कौन उतरेगा, 5 उतरेगा। अब देखिए यहां तो ये 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा या 7 बार जाएगा, क्योंकि तीन ही ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे अच्छे केस में आप क्या करो, बीच वाला चेक कर लो, छोटा हुआ तो नीचे वाला आंसर है, बड़ा हुआ तो ऊपर वाला आंसर है। तो बीच वाला यहाँ पे कितना है, 8। तो 676 की टेबल में पढ़ रहा हूँ 8 बार, 8 6 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी, 7 8 56, 4 कैरी ऊपर से लिया 0, 60 हो गया और 6 यहाँ पे गया, 8 6 48 और 48 के बाद मैंने वापस क्या ले लिया, 6, तो हो गया 54। तो ये आ रहा है 5408, ठीक है, तो ये हो गया 5408, ठीक है ना, 5408 ही आ रहा है। 5408 से बड़ा तो जा नहीं पाएगा, वरना तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। 8 6 48, 8 यहाँ पे 460, 0 यहाँ पे 6, 8 6 48, 50 और 5408 बिल्कुल सही है। मतलब कि जो टेबल में पढ़ पाऊंगा वो 8 बार ही पढ़ पाऊंगा, ना ही 9 बार पढ़ पाऊंगा, ना ही 7 बार पढ़ पाऊंगा, क्योंकि यही सबसे क्लोज जा रहा है। तो मेरा आंसर कितना होगा, 1850 ही होगा, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बेवजह कैलकुलेशन करवाई जा रही है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही थी और तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो कैलकुलेशन स्पीड भी हमारी होनी चाहिए ठीक ठाक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंस्टॉलमेंट का ही है और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 4620 की इंस्टॉलमेंट हमें दो देनी है इक्वल और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का है। तो वही वाली बात है, ये मैंने अमाउंट बोरोड लिखा, अमाउंट बोरोड, और ये मैंने लिखी इंस्टॉलमेंट, और 10% की रेट है। तो पहले साल कितना होगा, 10 से 11, और दूसरे साल कितना होगा, 10 × 10 से 11 × 11, और ये मैं वापस 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये भी वापस 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो इंस्टॉलमेंट रखनी है वो सेम रखनी है, क्योंकि यहाँ 11 × 11 121 है तो मुझे ऊपर भी 121 बनाना पड़ेगा। तो अब जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इंस्टॉलमेंट नहीं, इसकी वैल्यू दे रखी है सम की, मतलब मुझे इन दोनों का एडिशन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन वैसे है कितना, 10 में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचता है, 21, मतलब 210 यूनिट है ये 210 यूनिट्स की वैल्यू है, और ये है अमाउंट बोरोड। और हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं दोनों साल में वो दे रहे हैं 121 यूनिट और 121 यूनिट की, मतलब कि हमने उधार तो लिए हैं 210 यूनिट, लेकिन हमें देने कितने हैं, हमें देने हैं 242 यूनिट हमें देने हैं वापस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कितना हो गया, 32 यूनिट का इंटरेस्ट हो गया। तो देखिए हमें दे रखी है 4620 यूनिट की वैल्यू, कितनी दे रखी है हमें, 210, और हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 11 × 11 मतलब 121 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 काट देता हूँ मैं, 21 की टेबल पढ़ना शुरू करता हूँ, 21 की टेबल मैंने पढ़ी 2 बार तो वह 44, और फिर वापस कितना आया, सॉरी 42, फिर वापस आया 42, तो ये 22 बार कटा और मेरा आंसर कितना हो गया, 22 × 11 × 11। तो मैं 22 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 242, और वापस इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2662, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2662, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 11 के मल्टीप्लिकेशन भी आई होप मैंने कैलकुलेशन वाले वीडियो में आपको सिखाई होगी, वही मैंने यूज़ किया अभी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अमाउंट है वो 32,000 का है, 20% प्रति एनम का है, 9 महीने के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए क्वार्टरली कितना होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना, और यहाँ पे रेट कितनी है, 20% है पर एनम की। मुझे बताइए 20% पूरे साल की है, मतलब कि 20% रेट अगर 12 महीने की है तो मुझे 3 महीने की रेट अगर निकालनी होगी तो क्या वो 5% आ जाएगी, क्या वो वैल्यू 5% आ जाएगी, मतलब कि, और मेरी जो साइकिल है वो कितने की है, 3 महीने की 3 महीने की 3 महीने की, 9 महीने की टोटल साइकिल चलानी है मेरे को, और साइकिल मुझे क्वार्टरली चलानी, तो मेरी साइकिल कितनी होगी, 3 बार मेरी साइकिल चलने वाली है।
और आप लोग जानते हैं कि 5 साल का 5% किसी चीज को पहले 5% बढ़ाओ, फिर वापस 5% बढ़ाओ, फिर वापस 5% बढ़ाओ, तो 5 का 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 15.7625%। मतलब कि जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसमें इतने का इंक्रीमेंट हो जाएगा और मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि 3200 अगर वैल्यू थी, 32,000, तो उस अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो टोटल अमाउंट निकालना है, तो 32,000 में 32,000 का 15.7625 में क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। सो दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड बोथ दिस विल गिव मी द अमाउंट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस की तरफ एक बार नजर मार लेते हैं हम ऐसे ही। तो देखिए 32,000 से कुछ बड़ा ही आंसर होगा भाई, 32,000 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 32,000 तो प्रिंसिपल ही था, उससे कम भी कभी आंसर नहीं हो सकता। मेरा आंसर या तो 35,000 समथिंग कुछ है या मेरा आंसर 37,000 समथिंग कुछ है। तो देखिए ये तो हो गया 32,000। अब देखिए मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल लेता हूँ ना 32,000 का 15%। अब 32,000 का मुझे निकालना है 15%, 32,000 का 10% कितना होता है 3200, 32,000 का 5% कितना होता है 1600, 3200 और 1600 को ऐड करता हूँ होता है 4800। मतलब ये जो भी वैल्यू होगी ये 4800 से कुछ ज़्यादा रही होगी, तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 32,000 है, ये 4800 है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 36,800 से ज़्यादा होने वाली है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इसको अगर कैलकुलेट करने बैठ गए तो आपका फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है कभी। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सम है 18,000 रुपये का जो बन जाता है 21,780 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड एनुअली, और हमें निकालना है कि वो 5% बढ़ा दिए जाए तो वो उस सेम टाइम में कितने का ब्याज देगा। देखिए 21,780 18,000 से कोई चीज़ कितना बन रही है, 21,780 बन रही है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट और ये टाइम कितना है 2 साल का है, तो मैं काटने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं 0 से 0 काटता हूँ, मैं 2 से काटूँगा तो ये कितना हो जाएगा 900, और मैं 2 से काटूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1,000, फिर 10,000 होता और 1,000 प्लस 50 प्लस 78 है ना, तो 39 हो जाएगा, तो 1539 और नहीं नहीं सॉरी 1089 हो जाएगा, 1089 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1089 हो रहा है, समझ गए मेरी बात। तो फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसका देखते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं, इसका भी मैंने स्क्वायर रूट लिया और इसका भी मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 33। 33 से 30 से कोई चीज़ 33 हो रही है तो मतलब वो कितना बढ़ रही है 10%, और अब मैंने रेट कितना बढ़ा दिया 5%, तो रेट कितना हो गया 15% हो चुका है न्यू रेट। अब हमें बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट, मतलब कि 18,000 रुपये को मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है केवल और केवल 15% पे। तो देखिए पहले साल भी 15, अगले साल भी 15, में 15 का क्या ले लेता हूँ सक्सेसिव ले लेता हूँ, 15 प्लस 15 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 15/100 आपने पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 225/100, तो ये कितना हो जाएगा 32.25%, तो ये कितना हो जाएगा 32.25%। ठीक है, तो मुझे 18,000 का कितना परसेंट निकालना है, 32.25% निकालना है। देखिए 18,000 का 30% कितना होता है, 18,000 का 30% अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा 5,400, 5,400 ये कितना हो गया 30%। अब मुझे 18,000 का 1% निकालना है तो वो होगा 180, और 18,000 का 2% निकालना है तो वो कितना होगा 360, तो ये हो गया 2%। अब 1% की वैल्यू कितनी है 180, तो 0.25% की वैल्यू कितनी होगी, उसका 1/4 मतलब क्या होगी 45। ठीक है, तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 5805।
देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप बड़ी ही आसानी से कर पाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने में दिमाग लगाया, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट देना है 21% का 2 साल के लिए, और वो हमें कितना दे रखा है, 11138.40, और हमें निकालना है अमाउंट निकालना है जो रिसीव होगा 2 साल बाद। तो देखिए कोई चीज़ 21% का ब्याज पहले साल ले रही है कंपाउंड इंटरेस्ट में और अगले साल भी 21% का ले रही है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21 + 21 + 21 × 21/100, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 4.61, ठीक है, सॉरी 4.41, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 46.41%। मतलब इतने का ब्याज मिलने वाला है, इतने का तो ब्याज मिलने वाला है, प्रिंसिपल खुद अपने आप का 100% है, मतलब कि 11138.40 की वैल्यू जो है वो है 46.41% की, और हमें निकालना है अमाउंट, मतलब 100% प्लस 46.41%, हमें वैल्यू निकालनी है 146.41% की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। कंपाउंड अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 46.41% की है तो हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये 46.41% क्या है भाई, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट बना ना, मतलब प्रिंसिपल का इतना परसेंट आपको ब्याज देना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 11138.40। अब देखिए कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी लग रही है, लेकिन देखेंगे हम ऑप्शंस की तरफ, तो ऑप्शंस काफ़ी ना दूर दूर दे रखे हैं, काफ़ी दूर दूर है ऑप्शंस। देखिए 46 का 3 गुना कितना होता है, 46 का 3 गुना होता है 148, ठीक है, 148 लगभग होता है, 46 का 3 गुना कितना होता है, 148 ही होता है ना, सॉरी 138 होता है। तो ये जो वैल्यू है, जब ये चीज को मैं इस चीज से काटता हूँ 46, तो क्या ये जो कटेगा तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो 3 है वो 138 होता, तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब 11,000 समथिंग ये कुछ चीज़ है, तो उसका 3 गुना से ज़्यादा मेरा आंसर होने वाला है, 11,000। ये जो चीज़ है क्या वो 11,000 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 11K लिख देता हूँ मैं, क्या ये चीज़ 11,000 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, क्या ये जो मल्टीप्लाई होने वाला है 3 के कुछ बड़े से होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। देखिए 11,000 होता ये और 3 ये होता तो आंसर 33,000 होता, लेकिन ये दोनों ही ज़्यादा है, ये भी 11 से ज़्यादा है, ये भी 3 से ज़्यादा है, तो आंसर 33,000 से बड़ा होगा, ना ही मेरा आंसर बी होगा, ना ही मेरा आंसर सी होगा, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको कैलकुलेट करने की सोच भी नहीं सकते एग्जाम में, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पेपर कैलकुलेटिव है, देखिए अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेटिव है ही, फिर तो क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 35138। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, रेट 10 साल की है, 3 साल का प्रिंसिपल, ऑन विच 8 ईयर्स, 8 साल में 12% की रेट पर 4,800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। तो देखिए 12 × 8 कितना होता है, 96, मतलब प्रिंसिपल का 96% कितना है, 4,800 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 5,000 होगा। भाई देखिए हर साल अगर 12% का ब्याज लग रहा है तो 12% 12% 12% 12%, तो 8 साल में कितना हो गया, 96%, तो 96% तो ब्याज ही हो गया, प्रिंसिपल का 96%, और ब्याज हमेशा किसका प्रतिशत होता है, मूलधन का, प्रिंसिपल का प्रतिशत होता है, तो 96% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो गया, 4,800। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 96 का 5 गुना कितना होता है, 480 होता है, तो ये हो गया 5,000। अब हमें बताना है कि 10 साल की रेट हमें निकालनी है 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 10 साल की रेट 10% रेट है और है 3 साल के लिए, तो 10% 10% 10%, इनका इफेक्टिव कितना होता है, 33.1%। देखिए 10 साल का आपको चारों सालों के लिए याद होना चाहिए, अगर मुझसे 10% की दर पर 3 साल के लिए कोई भी चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पर दी जाती है तो उस पर प्रिंसिपल का 33.1% अमाउंट जो होगा वो एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा,
मतलब कि ये मेरा प्रिंसिपल है और मुझे इसका 33.1 क्या देना है, ब्याज देना है। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो होगा 33.1% ऑफ 5000, 2 3 0 3 0 और एक जीरो नीचे आया था वो भी कट गया, 331 × 5, तो ये हो गया 5, 15 का 5 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, तो 16.55 इज माई राइट आंसर। ठीक है, 10% की रेट से याद रखिएगा, एक साल का 10%, दो साल का 21%, तीन साल का 33.1%, चार साल का कितना होता है 46.41%, और पांच साल का भी याद रखिएगा, पांच साल का होता है 15.7625% तीन साल के लिए। ठीक है, बाकी दो साल का निकालना तो काफी आसान है, हम कन्वीनियंटली कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 10% की रेट से चार साल के लिए 3200 रुपए, मतलब कि 10% की रेट से चार साल का 3200 है। ठीक है, तो एक साल का कितना होगा, एक साल का होगा 800, और 800 क्योंकि 10% के बराबर है तो प्रिंसिपल कितना होगा 8000 के बराबर होगा, क्योंकि अगर 10% ऑफ द प्रिंसिपल है 800 रुपए के बराबर तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000 रुपये के बराबर। अब हमें निकालना है कि सेम टाइम के लिए, सेम रेट के लिए 10% हमें निकालनी है। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि 10% की रेट 4 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होती है, तो हमें निकालना होता है 46.41%। तो जो मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 8000 का कितना, 46.41%। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000
मल्टीप्लाइड बाई 4641 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। तो ये तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएंगे, एक जीरो नीचे बचेगा और मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 8, 8 4 जो 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 8 6 जो 48, 3 51, 1 यहाँ पे 5 इधर, 32 और ये 37 और एक डेसिमल लग जाएगा 3712.8। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट में मुझे इसे ऐड कर देना है, सॉरी प्रिंसिपल में ऐड कर देना है, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 8000 प्लस 3712.8, तो ये हो जाएगा 8.217, 8 9 10 11, तो 11712.8 ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए आप 10% की 4 ईयर्स की रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार ये पूछी जाती है और एग्जाम में इसे निकालना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट 46.41% याद रखिएगा, 46.41% होती है अगर 10 साल की रेट है, 4 साल है कंपाउंड इंटरेस्ट तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 66300 को ए और बी में इस तरीके से डिवाइड करना है कि ए को जो अमाउंट मिलेगा 8 साल बाद वो इक्वल होगा बी को 10 साल बाद मिलने वाले अमाउंट के, ठीक है। तो एक के पास 8 साल है, एक के पास 10 साल है, जो छोटा होगा उसको कम पैसा मिलेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा साल है, ठीक है, मतलब जिसके पास ज़्यादा साल है उसको कम पैसा मिलेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि पहले वाले को हमने ए अमाउंट दिया ए को, और उसको हमने दिया था 8 साल के लिए, तो 1 प्लस और रेट कितनी है 10%, तो 10/100 की पावर कितना हो गया 8 साल, क्योंकि क्या होता है अमाउंट जो होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 to the power t। तो यहाँ पे मैं अमाउंट दोनों का इक्वल रख रहा हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो मैंने ए को पैसा दिया वो ए दिया और जो बी को पैसा दिया वो बी दिया। मैं बेसिकली दोनों का रेशियो फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ पहले, और जो मैंने बी को पैसा दिया वो बी दिया, तो बी वाला जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा 1 प्लस 10/100 to the power 10, क्योंकि उसके पास 10 साल है। अब मैं इन्हें कट कर लेता हूँ, अगर मैं इसे कट कर लेता हूँ तो ये इससे कटेगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 8 तो कट जाएगी। तो ए बाई बी का जो रेशो आने वाला है वो क्या आने वाला है 11/10 का स्क्वायर, और ये कितना है 121/100। तो ए और बी का जो रेशो है वो 121/100 है, मतलब ए को जो पैसा मिला वो 121 यूनिट मिला, बी को जो पैसा मिला वो 100 यूनिट मिला। अगर मैं ए और बी दोनों को ही मिलाकर बात करूं तो जो टोटल अमाउंट था, जो टोटल अमाउंट था वो कितना था, वो 121 प्लस 100 था, वो 221 यूनिट था, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 66300 रुपीज़। मतलब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 300 रुपये के बराबर है। तो मुझे आप बताइए ए को जो पैसा मिला था वो कितना मिला था 121 यूनिट, तो ए को जो पैसा मिला होगा वो 121 × 300 के बराबर होगा, और जो बी को पैसा मिला था वो 100 यूनिट था, तो वो 100 × 300 के बराबर होगा। तो 100 × 300 मतलब 30,000 रुपये मिले थे बी को। देखिए ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी की वैल्यू 30,000 है, और आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये भी 36300 ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे मेरा हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हमें पूछा जा रहा है कि 6200 है, 2 साल है, 12% पर एनम की रेट है, और 8 मंथली हमें निकालना है। देखिए अगर 1 साल की रेट 12 महीने की रेट अगर 12% है तो 8 महीने की रेट 8% होगी, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमें निकालना है 8 मंथली का कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 मंथली का हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8% और तीसरे साल भी 8%, क्योंकि टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 24 महीने, मतलब 2 साल, और साइकिल कितने की चल रही है 8 महीने की, तो 8 महीने की साइकिल मतलब 3 साइकिल चलने वाली है, मतलब हमें 8% का 3 बार सक्सेसिव निकालना है। तो मुझे निकालना है 8% का 3 बार का सक्सेसिव, तो लास्ट की जो 2 प्लेसेस होती है वो A³ ऑक्यूपाइड करेगा, जो ये होता है वो 3A² ऑक्यूपाइड करेगा, और ये होगा जो 3A ऑक्यूपाई करेगा आगे वाली डेसिमल के आगे वाली प्लेसेस। अगर मुझे कभी भी 3% का इफेक्टिव सक्सेसिव निकालना होता है तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है।
तो जो लास्ट की दो प्लेसेस है वो ए क्यूब के लिए है, 8 का क्यूब होता है 512, मतलब 12 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ कैरी चला जाएगा। अब मैं निकालता हूँ 3a² ए स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का 3 गुना कितना होता है 192, 192 में 5 कैरी का ऐड कर लिया मैंने, आ गया 197, मतलब यहाँ आ गया 97 और यहाँ चला गया 1 कैरी। 3a कितना होता है 24, 24 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 25.9712% आ चुका है। मतलब कि अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जो भी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो क्या होगा, वो होगा 62500 का 25.9712%। अब इसे कैलकुलेट करने बैठे तो हो गया काम। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो लगभग लगभग 25% है और उससे 1% से ज़्यादा से थोड़ी कम है। तो 6000 का मैं निकालता हूँ 25%, मतलब 1/4। तो ये वैल्यू कितनी होती है देखते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15625, ये होती है 15625, ये होती है 25% की वैल्यू। अब इसमें मुझे जोड़ना है इसका 1% से कम, मतलब 625 से मुझे कम जोड़ना है। मतलब अगर मैं इसमें 125 जोड़ दूँ तो क्या होगा, सबसे पहली बात ये क्या हो जाएगी 5 5 10 0 यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 5 6 6 12 2 यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। मतलब जो भी मेरा आंसर है वो 16250 से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, और मेरा आंसर कितना होगा 16232। तो दिस इज हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चलिए।